सकारात्मक सोच, ईमानदार प्रयास और सशक्त कार्यशैली, बस यही तो है आरआरओटी बैंक की पहचान। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग निश्चित ही समाज के लिए ईमानदार कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच और ईमानदार कोशिश के बाद भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक सशक्त कार्यशैली की आवश्यकता होती है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है, आरआरओटी बैंक सकारात्मक सोच वाली एक सशक्त टीम है और निसंदेह कोशिश तो ईमानदार होती ही है। ये समाज के समक्ष आईने की तरह स्पष्ट है। 3 साल के तक यात्रा के साथ आज आरआरओटी बैंक ने अपना 3रा वर्षगांठ मनाया। टीम की प्राथमिकता के अनुसार ही आज चंदवा दलित बस्ती के बच्चों के साथ संस्था का वर्षगांठ मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष कुमार रोहित ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से आरआरओटी बैंक ने कई तरह की मुहिम धरातल पर लाने का काम किया है, जिसमें आरआरओटी बैंक पाठशाला की स्थापना एक मुख्य कार्य है, जिसमें लगभग 60 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है और प्रतिदिन 1 शाम का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराई जाती है। संस्था जरूरतमंदों के बीच आगे भी एक सशक्त स्तंभ के रूप में खड़ी रहेगी, ऐसी पूरी टीम का प्रयास है। संस्था के कोषाध्यक्ष सतीश सिंह ने कहा, आम जन से अपील किया कि पंजीकृत संस्था के कार्य का आकलन कर सकारात्मक सहयोग करें। उक्त मौके पर संस्था के सचिव कमलेश तिवारी, रवि सहाय, निकेश पांडे, रवि तिवारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सकारात्मक सोच, ईमानदार प्रयास और सशक्त कार्यशैली, बस यही तो है आरआरओटी बैंक की पहचान। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग निश्चित ही समाज के लिए ईमानदार कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच और ईमानदार कोशिश के बाद भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक सशक्त कार्यशैली की आवश्यकता होती है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है, आरआरओटी बैंक सकारात्मक सोच वाली एक सशक्त टीम है और निसंदेह कोशिश तो ईमानदार होती ही है। ये समाज के समक्ष आईने की तरह स्पष्ट है। 3 साल के तक यात्रा के साथ आज आरआरओटी बैंक ने अपना 3रा वर्षगांठ मनाया। टीम की प्राथमिकता के अनुसार ही आज चंदवा दलित बस्ती के बच्चों के साथ संस्था का वर्षगांठ मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष कुमार रोहित ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से आरआरओटी बैंक ने कई तरह की मुहिम धरातल पर लाने का काम किया है, जिसमें आरआरओटी बैंक पाठशाला की स्थापना एक मुख्य कार्य है, जिसमें लगभग 60 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है और प्रतिदिन 1 शाम का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराई जाती है। संस्था जरूरतमंदों के बीच आगे भी एक सशक्त स्तंभ के रूप में खड़ी रहेगी, ऐसी पूरी टीम का प्रयास है। संस्था के कोषाध्यक्ष सतीश सिंह ने कहा, आम जन से अपील किया कि पंजीकृत संस्था के कार्य का आकलन कर सकारात्मक सहयोग करें। उक्त मौके पर संस्था के सचिव कमलेश तिवारी, रवि सहाय, निकेश पांडे, रवि तिवारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम बुद्धुआ का धन्यवाद कहूँगा। आप लोगों का समाज में एक अलग सहयोग रहता है, समाज के लोगों को हर गतिविधि से रूबरू कराते हैं आप लोग। ये बहुत ही बड़ा कार्य है और बहुत ही सराहनीय कार्य है कि समाज के हर पहलू से, चाहे वो गलत हो या सही हो, समाज के लोगों तक सूचना पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसके लिए सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम बंधुओं का धन्यवाद कहूँगा। आज जैसा कि आप लोग यहाँ आए हैं, आरआरओटी बैंक परिवार अपना 3रा साल मना रहा है। आज 3 साल हम लोगों का पूरा हुआ काम करते हुए। हमारा टीम लगातार 3 सालों से धरातल पे जरूरतमंदों के लिए काम करते आ रही है। समाज से वैसे लोग जो समाज के मुख्य धारा से वंचित हैं, समाज के मुख्य धारा से किसी न किसी कारणवश से, या तो सामाजिक कारण हो या व्यक्तिगत कारण हो, अगर वो समाज के मुख्य धारा से वंचित हैं, तो उनके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उसके लिए जैसे कि पिछले 3 सालों में आप लोगों ने तमाम खबरें चलाई भी हैं और देखा है कि आरआरओटी बैंक ने तरह तरह का मुहिम लाया है। एक तो पौष्टिक भोजन, जिसमें कुपोषण की जितने भी बीमारी है उससे राहत मिले,
दूसरा चीज शिक्षा के क्षेत्र में भी आरआरओटी बैंक ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आरआरओटी बैंक पाठशाला का उद्घाटन भी हुआ है, जिसमें अभी तकरीबन 60 से 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में रोटी बैंक ने ये निर्णय लिया है कि वे बच्चे जो समाज के मुख्यधारा से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें स्वास्थ्य के साथ साथ एक अच्छा शिक्षा दिया जाए और देश में समाज में उनकी भी भागीदारी बढ़ाई जाए। नाम बता दिया। निकेश पांडे, सदस्य आरआरओटी बैंक। आज ही के दिन 20 जनवरी 2019 को कुछ लोगों के द्वारा, कुछ साथियों के द्वारा समाज हित को देखते हुए आरआरओटी बैंक की स्थापना की गई। आज से लेकर तकरीबन 3 साल हो गए, आज ये हम लोग का तीसरा पड़ाव है, तीसरे साल में हम लोग हैं। इस 3 सालों में हम लोग का बहुत सारा काम हुआ है रोटी बैंक के माध्यम से। जैसे जो समाज के ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें जो या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो हाशिए पर चले गए हैं, उन्हें आरआरओटी बैंक मदद किया है। और उस 3 साल के दरमियान बहुत सारे काम हुए हैं कोरोना काल में, जैसे सैनिटाइजर वगैरह, लगातार फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना, लगातार मुहिम कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग का सिंगापुर से हमारे अभिभावक अखिलेश भैया हैं, उनके माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है, 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है, जो कि लोगों को उसका लाभ मिला है। और हम लोग का रोटी बैंक आरा के नाम से पाठशाला भी है, जो छठिया तालाब पर स्थित है, उसमें जो गरीब ज़रूरतमंद के बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा दीक्षा निःशुल्क के साथ साथ भोजन वस्त्र आदि का भी उन्हें प्रदान किया जाता है। और आने वाले समय में भी हम लोग का बृहद प्लानिंग है, जिसमें मीडिया, आप सभी मीडिया बंधुओं को उसके बारे में बराबर जानकारी दी जाएगी, जैसा प्रोग्राम होगा आपसे कहा जाएगा। मेरा नाम हुआ कुमार रोहित, अध्यक्ष आरआरओटी बैंक। बैंक को पूरा हो चुका है, हमारी एक टीम है, एक साथ जुड़े मिले बैठे बात किए, और ये वर्ग जहां आज खड़े हैं हम लोग, जिस बस्ती में खड़े हैं, ऐसे वर्गों को देखने के बाद बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि क्या हम लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर पाना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, लेकिन जब एक टीम होता है तो बड़ा से बड़ा काम करना आसान हो जाता है। हम लोगों ने प्रयास किया, 3 साल पहले बैठे बात किया और शुरू किया, हमने शुरू किया और शुरू हो गया। और एक ऐसा हुआ कि इन 3 वर्षों में हम लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव भी देख लिए। एक पेंडेमिक का पीरियड जो आया इसमें, कोरोना पीरियड, उसमें अब लगा कि हम लोग सुचारू ढंग से इस काम को कैसे करें, लेकिन उसमें भी हमारी टीम जो है सशक्त होकर के उस परिस्थिति में, उस माहौल में भी सड़क पर खड़ी रही और समाज के उस वर्ग के साथ खड़ी रही जिसको ज़रूरत थी, वास्तव में जिसको ज़रूरत थी उनके साथ हम खड़े हुए और हमारे हाथ मजबूत होते गए और हम करते गए। बस आगे भी करने की इच्छा है, हम लोग करते हैं। क्षितिज पांडे, सदस्य आरआरओटी बैंक। सबसे पहले तो मैं आज 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपने सभी साथियों, मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे रोहित भैया, सतीश जी, कमलेश भैया, कोरोना काल के उस समय जब घर से कोई नहीं निकलना चाहता था, हर रोज़ इन लोगों ने मुहिम के तहत हॉस्पिटल में खाना पहुंचाया, ताकि कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, भूख से कोई ना मरे। रोटी बैंक का दूसरा बड़ा पहल है, हम लोगों ने पाठशाला का शुभारम्भ किया। आज पाठशाला में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको किताबें, कॉपी, कलम, सारी चीज़ें मुहैया कराई गई हैं। साथ में उनको हर दिन एक टाइम का खाना उनको निःशुल्क दिया जाता है। साथ में हम लोगों का अगला प्रोग्राम है एक एम्बुलेंस निकालने का रोटी बैंक का, जो कि निःशुल्क रहेगा गरीब लोगों के लिए, ताकि चिकित्सा के अभाव में किसी की जान ना जाए। अभी हमारे 4 कंसंट्रेटर काम कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क है। इस नंबर पर संपर्क करके किसी को ज़रूरत पड़े, चंदवा पेट्रोल पम्प से या रोहित भैया से संपर्क करके। आरा रोटी बैंक से आप तमाम सभी मीडिया कर्मी और सहपाठियों का धन्यवाद देता हूँ। आज अपने 3 साल के वर्षगांठ पे मैं बस इतना ही संदेह वादक दे गया हूँ और अपने पद का नौती करते हुए बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो फंड रोटी बैंक के माध्यम से सारे लोग लेते हैं, वो फंड एक अनुबंधित संस्था को ही दिया जाए और उनके कार्य को सराहना करते हुए फंड मिले। क्योंकि बहुत सारे औपचारिकता और देशपूर्ण लोग घूम रहे हैं मार्केट में, जो उसको अपने पॉकेट मनी गर्म कर रहे हैं, जिसका उनको उपलब्ध करने के बाद से इन ज़रूरतमंदों के पास वो चीज़ लोगों को नहीं पहुंच पा रही है।
तो मैं बस इसी के कारण से मुख्य धासा को सारे लोगों को मोड़ते हुए बस यही बताना चाहता हूँ कि जो भी फंड हो कम से कम उनको अच्छी ढंग से मिले और यहाँ तक पहुँचे, जरूरतमंदों को पहुँचे। मैं सतीश कुमार, आरा रोटी बैंक कोषाध्यक्ष।